मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाद सरकार की घोषणाओं का स्मारक है, झूठी सरकार का झूठा बजट। अभी तरुण भानुभाई जी विस्तार में आप सबको बताएंगे, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये फर्ज मिशन और सत्यानाश का बजट है। प्रस्तावित सब कुछ प्रस्तावित है, सब प्रावधान है, पर अगर हम पिछले साल का बजट देखें उसमें भी जो प्रस्तावित और प्रावधान थे उसमें से केवल 55% का वितरण हुआ। तो ये पिछले साल की बजट की ये तुलना कर लें और ये बजट तो केवल 3 महीने का है, केवल चुनाव की घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। इसमें साफ बात ये है कि जो कुछ भी कह लें, जो प्रस्तावित हुए, जो कार्यान्वयन हुए, पिछले साल 90,00,000 नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार थे, इस साल 1,00,000 नौजवान बेरोजगार हैं। पिछले साल कितने स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, ये इसकी संख्या 25% बढ़ी है। स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। और ये बजट केवल एक फॉर्मेलिटी थी कि इसको कर दे और जनता को किसी ना किसी तरह लाडली बहन योजना एक नाटक है जो उन्होंने कार्रवाई रखी है। हमने साफ घोषणा करी है कि हम कोई लाडली बहन को नाम नहीं दे रहे, हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।